भाषा विवाद इन दिनों झारखंड में चर्चा में है। हर कोई इसी विवाद को लेकर चर्चा करता दिखाई दे रहा है। इसी बीच नागपुरी फिल्म दहलीज रिलीज हुई है जो भाषा पर ही आधारित है। हालांकि भाषा पर फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ऐसे वक्त में भाषा विवाद पर आधारित फिल्म अगर आई है तो जाहिर सी बात है लोगों की दिलचस्पी भी उसमें है। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकारों से बातचीत की है हमारे संवाददाता शाहनवाज ने। आप वो देखिए बातचीत और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड में एक तरफ जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ उन्हीं भाषाओं को लेकर कुछ कलात्मक काम भी हो रहे हैं। फिल्मों का भी निर्माण हो रहा है, डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बन रही हैं। लिहाजा उसी कड़ी में दहलीज नाम की एक फिल्म लोगों के बीच आई है जिसकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है। फिल्म से जुड़े कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं। पहले उनकी तस्वीरें आप देख लीजिए और पहचान लीजिए, ये कोई नई तस्वीरें नहीं हैं, ये पुरानी है। झारखंड की ज़मीन और यहाँ की जल जंगल ज़मीन से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं। जितेंद्र जी से पहली बात होती है सर जी, झारखंड फिल्मों पर बात करेंगे सर, पहले जो झारखंड में जो ज्वलंत इशू है उस पर बात कर लें, क्योंकि आप लोग जिस चश्मे से समाज को और लोगों को देखते हैं वो बिल्कुल अलग होता है, जुदा होता है। हम चाहेंगे उसी से आप थोड़ा सा उसको डिफाइन कर दें, परिभाषित कर दें। ये जो भाषा को लेकर जितना विवाद छिड़ा हुआ है, नागपुरी की फिल्म आई है, नागपुरी भी एक क्षेत्रीय भाषा में सूची शामिल है और इसके बोलने वाले मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा हैं इन क्षेत्रीय भाषाओं में। तो क्या लगता है इन भाषाओं के विवाद के बीच ऐसे फिल्मों को लाना क्या इसको उसको इनकरेज करेगा या उसको फायदा होगा, नुकसान हो, क्या देखते हैं? विश्वास वृद्धि तो बढ़ेगा ही, विकास होगा ही। और ये नागपुरी की, नागपुरी प्रमुख लैंग्वेज है झारखंड की, मैक्सिमम लोग इसे यहाँ बोलते हैं और उसी भाषा में जब फिल्म बनी है तो ये आगे जग जाएगी निश्चित। तो क्या लगता है सर इस भाषा को कम्युनिकेट करना आसान है, इस वजह से इस भाषा में फिल्में बन रही है? बहुत कुछ हिंदी से मिलती जुलती भाषा ही है, ये क्या हिंदी जानने वाला आसानी से बात समझ सकता है कि वो नागपुरी में क्या बोलने जा रहा है कोई। जी, अगर भाषा को लेकर इस तरह लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, तो आप जिसे लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम इसे विवाद में पढ़ना नहीं चाहते हैं, विवाद में पढ़ना ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी क्या कहूँ, जो सुनना पड़ता है। जी जी, हाँ, वैसे मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता। विवाद से आपकी फिल्म को लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा सर? नहीं, उस विवाद से मेरे को कोई मतलब इसमें नहीं होगा। ये नागपुरी अलग फिल्म है, नागपुरी अलग भाषा भी है और ये सब कोई समझ सकते हैं, चाहे वो भोजपुरी बोले लोग हों या हिंदी भाषी हो या और भी कोई भाषी हो झारखंड वाले, सब कोई इजीली समझ सकता है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो कलाकार होते हैं, पत्रकार होते हैं, जो समाज के प्रबुद्ध लोग होते हैं, वो धर्म, संस्कृति, सभ्यता, क्षेत्र, इन चीज़ों को लेकर के अपने आप को परिभाषित नहीं करते, बल्कि इससे ऊपर उठकर मानवता की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। कुछ और भी कलाकार हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इन फिल्मों में काम की होंगी, ठीक है? नहीं, काम किया। तो जब इस भाषा में आप फिल्म बना रही हैं तो क्या आपके जहन में, मन मस्तिष्क में चल रहा है? भाषा में फिल्म बनाने से हमें काफ़ी गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं भी झारखंड की बेटी हूँ और झारखंड की भाषा को बिल्कुल अप्रिशिएट करती हूँ। और जैसा कि आपने विवादों की बात करी है तो वाकई में हमें इन विवादों से कोई खास मतलब है नहीं सर। और कैसे जाए तो आपने इंसानियत की बात कही है कि इन सबसे उठकर जो चीज़ें होती हैं वो इंसानियत होती है। और हम विकास की बात करते हैं, झारखंड के विकास की बात करते हैं और झारखंड की जो फिल्म है, रीजनल फिल्म, नागपुरी फिल्म को हम बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी आशा है कि इस फिल्म को आप सभी दर्शक प्यार दें। आप लोगों को क्या लगता है कि इन आप प्रमुख किरदार में भी हैं, आपको क्या लगता है इस भाषा के माध्यम से या इस फिल्म के माध्यम से समाज को कितना आप जगा पाएंगी या क्या कम्युनिकेट कर पाएंगी? जैसे कि नागपुरी मूवी है तो नागपुरी लैंग्वेज को सभी बहुत बैकवर्ड समझते हैं, बहुत डाउन समझते हैं। तो ये जो मिथ है, ये जो गलतफहमी है, ये सभी के मन से हटाना है कि वो जिस तरह से दूसरे लैंग्वेजेस की मूवी को जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, उसी तरह से हमारी भी एक इंडस्ट्री है और हमारी लैंग्वेज जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है नागपुरी, उसे भी अप्रिसिएशन ज़रूर मिलना चाहिए। और जैसे कि सभी ने कहा, कोई विवाद नहीं, क्योंकि हम आर्टिस्ट्स हैं और आर्टिस्ट्स की एक ही भाषा होती है और वो है कला की भाषा। तो कोई भाषा ऐसी नहीं है जो हमें बांटे या फिर जो हमें रोकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक कलाकार के तौर पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो कला होती है, जो उसका माध्यम होता है, जो उसका संप्रेषण होता है, वो सबसे मजबूत माध्यम होता है। तो अपने भाषा में या अपनी शैली में या अपना आपका जो क्षेत्र है काम का, उस क्षेत्र के माध्यम से उन तमाम लोगों को कुछ संदेश देना चाहती हैं जो इस तरह के काम में संलिप्त हो जाते हैं या समाज को कहीं ना कहीं
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बांटने की कोशिश करते हैं? जी सबसे पहली बात तो ये कि जो आर्टिस्ट हैं या जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में सस्टेन करना, टिके रहना। जैसे कि अभी हमारी ये पहली फीचर फिल्म है दहलीज, जो कि एक नया रिवोल्यूशन लाएगी, और इसी में हम सिमट के नहीं रह रहे हैं। हमारे जितने भी क्रू मेंबर्स हैं या जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे जिन्होंने काम किया, वो सभी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं और सभी बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है इस तरह के जो विवाद उत्पन्न होते हैं उससे आपकी फिल्म को फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि क्योंकि मैं एकदम नई हूँ इस फील्ड में, और जैसे कि मैंने कहा कि कोई विवाद किसी चीज़ में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बस अपना काम करते रहें और बिल्कुल ऑनेस्टली अपना ईमानदारी के साथ अपने काम पर पूरे पूरी फोकस रहें, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक पाएंगी। आप फिल्म में किस किरदार में, क्या रोल है? मैं लीड रोल की माँ के रूप में हूँ इस फिल्म में, और मैं जहाँ तक चाहूँगी इस फायदे या घाटे की बात पिक्चर, तो हम लोग ये पिक्चर एक शुरुआत कर रहे हैं नागपुरी इंडस्ट्री में, तो जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक कुछ हो नहीं सकता। अगर हमारा फिल्म कितना भी कमा ले या फिर वो ना भी कमाई करे, पर एक बेंच सेट कर रहा है कि हाँ नागपुरी मूवी इस लेवल का बन रहा है, तो आगे जितने भी है बनाने वाले, मूवीज़ बनाने वाले, वो हमसे आगे बढ़ना चाहेंगे। और अगर लोग कॉम्पिटिशन की भावना रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे की बात है, हमारे नागपुरी इंडस्ट्री के लिए, कि लोग अच्छा करने की चाह रखेंगे और हमें देख के कुछ सीख पाएंगे। ये नागपुरी भाषा में ही क्यों, दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं, ऐसा सवाल हो सकता है? दूसरी भाषाएं में सवाल तो हमेशा जिंदा रहेंगे, फिर भी आप अगर सोचिए उनकी क्या कारण है, क्या वजूहत है? हम कह सकते हैं कि अगर नागपुरी जो है, झारखंड में बहुत सारी मतलब भाषाएं हैं, ठीक, जैसे हो, खड़िया, मुंडा, संथाली, पर आप देखिएगा कि जितने भी भाषी हैं सब आम तौर से नागपुरी का ही इस्तेमाल करते हैं। वो अपने घरों में भले ही अपनी भाषा में बात करते हैं, पर जैसे आम तौर पे किसी के साथ पे सामूहिक तौर पे बात करना हो तो वो नागपुरी में करते हैं। तो नागपुरी में हम लोग ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों को, और लोग ज़्यादा जुड़ पाते हैं नागपुरी में। तो आपने सुना किस तरह जी तमाम जो कलाकार हैं खुद को इन तमाम वाद विवाद से दूर रखना चाहते हैं, और इनका फोकस सिर्फ कला और कला के विकास को लेकर है। निश्चित तौर पर होना भी यही चाहिए, और नागपुरी में यह फिल्म बनी है, उम्मीद की जानी चाहिए कि संप्रेषण के जरिए समाज में स्थिरता आएगी और एक बेहतर संदेश देने की कोशिश होगी। लेकिन आपको पता है कि इस तरह झारखंड में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है, सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन उसी बीच कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं जिसको अप्रिशिएशन जरूर मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज़।